मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 660। एक्सपेक्टेड 700 प्लस है मेरा स्कोर। एक्सपेक्टेड स्कोर 626 है। करियर पॉइंट के अलावा और कहीं से सपोर्ट लिया? नहीं, को जरूरत ही नहीं पड़ा, हर तरह का सपोर्ट यहाँ पे मिल गया। टीचर के थ्रू हेल्प होती रही, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हुई। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 700 प्लस मार्क्स? यस। वाओ, ग्रेट। आप करियर पॉइंट के हॉस्टल में भी रहते हैं और यहीं से पढ़ाई भी करते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं जी। आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं करियर पॉइंट पटना सेंटर पे। आप सभी को पता होगा नीट 2024 का पेपर था कल और आंसर की भी आ चुका है। करियर पॉइंट के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में, इनका 700, एक स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनका 700 क्रॉस कर चुका है। 640, 690, 700 प्लस इनका मार्क्स आ रहा है। चलिए जानते हैं इनका क्या कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट जी रहा था करियर पॉइंट पटना से, इनको क्या कितना सपोर्ट मिला, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, देखें हमारा पूरा वीडियो। पहले तो आपका नेम क्या है? सोनाली रानी। आप करियर पॉइंट से पढ़ाई की हो? यस, राइट? हाँ जी। क्या कुछ कहना है करियर पॉइंट के बारे में, कितना मार्क्स आ रहा है? नीट में तो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 660। और कैरियर पॉइंट बहुत हेल्प किया थ्रू टेस्ट सीरीज, थ्रू मोटिवेशन और मतलब जितने भी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सब कुछ मिल जाते थे। और फिर टेस्ट सीरीज में भी हर लेवल का क्वेश्चन करना, वो बहुत हेल्प किया। यहाँ का टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, करियर पॉइंट के अलावा और कहीं से सपोर्ट लिया? नहीं, को जरूरत ही नहीं पड़ा, हर तरह का सपोर्ट यहाँ पे मिल गया था। क्या कुछ बताना चाहेंगे करियर पॉइंट में, कैसा फैकल्टी मेंबर्स है और कितना नीट के लिए कितना मतलब बेस्ट रहेगा करियर पॉइंट पटना? नीट के लिए बेस्ट है, देखने 700 प्लस स्टूडेंट का आ रहा है और टीचर बहुत सपोर्टिंग है। और एक चीज़, खुद पे भी आपको खुद से 100% देना होता है और टीचर यहाँ के बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल। आपका क्या नेम है? श्रुति कुमारी। श्रुति, हाय। कितना मार्क्स आ रहा है आपका? एक्सपेक्टेड 677। 677 अप्रॉक्स। कैसे प्रिपरेशन करा था आपने? थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और उसके बाद बार बार रिवीजन। ओके। करियर पॉइंट से कितना सपोर्ट रहा? यहाँ टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि यहाँ पे हर लेवल का टेस्ट होता था, इजी, मॉडरेट और हाई लेवल। और मैं कल पेपर दी तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन दे रही बना रही हूँ। सारा क्वेश्चन ऐसा था कल तो जो मुझे लग रहा था कि मैंने पहले इस टाइप का क्वेश्चन बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी कल। क्या कुछ बताना है जो स्टूडेंट पेरेंट्स जानना चाहते हैं पटना में रहकर अपने स्टूडेंट्स का, मतलब बच्चे को पढ़ाई कराना चाहते हैं, करियर पॉइंट में कैसा माहौल है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं और क्या नीट जेई के लिए क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है और क्या कुछ बताना है आपको? एक चीज़ जो यहाँ और कुछ और कहीं से भी यहाँ जो डिफरेंट है वो मुझे ये लगा कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो होता है लिंक, वो यहाँ बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप टीचर से कुछ पूछने में हेजिटेशन हो या फिर कुछ बात नहीं कर सकते, यहाँ आप टीचर से खुलकर बात कर सकते हैं। आप टीचर्स आपको फुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर साहब भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते था कि वो नर्वस फील ना हो, सही तरीके से पढ़ाई कर सके। अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो ऐसा कोई नहीं बोलते थे टीचर कि तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हम लोग को बोला जाता था। बोला जाता था कि कंसिस्टेंस रहो और धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, इम्प्रूव होते रहेगा, अपनी गलती पर ध्यान देते रहो। मतलब कि मोटिवेशन में कोई कमी नहीं होती थी यहाँ से? नहीं, मोटिवेशन दिया जाता था टाइम टाइम पे, सपोर्ट रहा। आपका नेम क्या है भाई? मेरा नाम रोहित कुमार है। क्या कुछ बताना चाहेंगे और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? मेरे नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर 626 है। ओके। करियर पॉइंट से सपोर्ट रहा कि टेस्ट सीरीज लगातार देते रहा मैं, यहाँ पे एनालाइज करते रहा, उसके वजह से स्पीड और एक्यूरेसी आई। ओके। जो बहुत काफ़ी हद तक हेल्प किया नीट में, नीट के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। आपका नेम क्या है? मेरा नाम मुसब हुसैन है। कितना मार्क्स आ रहे हैं आपका? एक्सपेक्टेड 700 प्लस है मेरा स्कोर। 700 प्लस, वाओ, नाइस। क्या कुछ बताना चाहेंगे करियर पॉइंट से कितना सपोर्ट रहा? करियर पॉइंट से मुझे फुल सपोर्ट रहा, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, इवन टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया। ओके। मोटिवेशन देने में, टेस्ट में से काफ़ी सपोर्ट किया, या क्वेश्चन में डाउट्स हो, इवन घर पर हो तो उन्हें ऑनलाइन सेंड कर दे, वो सॉल्व करके भेज देते थे या फ़ोन कॉल पे समझा देते थे, काफ़ी सपोर्ट किया टीचर्स ने। क्या कुछ बताना चाहते हैं करियर पॉइंट में कैसा इन्वॉल्वमेंट है, फैकल्टी मेम्बर्स कैसे हैं, मोटिवेट कितना करते हैं, नीट क्वालिफाई करना है, जेईई क्वालिफाई करना है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट आने वाले हैं यहाँ से? करियर पॉइंट में काफ़ी टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है, वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं ताकि आप
ताकि आप नीट क्वालिफाई कर सकें, जेई क्वालिफाई कर सकें, इवन आप अच्छे मार्क्स ला सकें. प्रॉपर कंटेंट मिलता है यहाँ जेई बेस्ड, नीट बेस्ड, और सपोर्टिव काफ़ी, मैनेजमेंट एंड टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं. करियर पॉइंट के अलावा कहीं से और सपोर्ट लिया? नहीं, कहीं से नहीं लिया. कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में 700 प्लस मार्क्स? यस. वाओ, ग्रेट. और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं और हम इनसे जानते हैं इनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम क्या है? श्याम कुमार. कितने मार्क्स हैं आपके आए? 640 प्लस. मैंने पिछली बार भी आपसे बात किया था और यहीं पर आया था जी बात करने. पिछले बार का क्या रिजल्ट रहे थे और इस बार क्या? पिछले बार 595 आया था, कॉलेज नहीं मिला था, तो फिर मतलब कि इस बार दिए तो 640 प्लस आ रहा है. आप करियर पॉइंट के हॉस्टल में भी रहते हैं और हॉस्टल मतलब कि यहीं से पढ़ाई भी करते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं जी. क्या आप कुछ बताना चाहेंगे करियर पॉइंट के बारे में? जैसे कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए एक सिस्टम चाहिए. बिल्कुल. और वो सिस्टम प्रोवाइड करती है करियर पॉइंट, चाहे वो फैकल्टी में हो, बुक में हो, टेस्ट सीरीज में हो. और हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल भी एक इन्वायरमेंट देता है, क्योंकि पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है. और इन्वायरमेंट हॉस्टल में मिलता है, तो हॉस्टल और खाना इसम की बात है तो वो भी बेस्ट है. और बोले ना कि स्टडी मटेरियल जो होता है, टेस्ट सीरीज जो होता है, जो सिस्टम चाहिए सिलेक्शन के लिए, उस सिस्टम यहाँ पे है. आइए और फुल विश्वास कीजिए. मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ पे विश्वास सबसे पहली चीज़ है, तो विश्वास कीजिए, सिलेक्शन होगा. हमको हुआ तो सबके होगा. आपका नेम क्या है? मोहम्मद मुसर. आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? एक्सपेक्टेड है 6-10 प्लस. 6-10. कौन सा अटैम्प था आपका ये? सेकेंड अटैम्प. पिछले बार में क्या कुछ रिजल्ट रहते? 369 था. 369. और इस बार? 610 प्लस. 610 प्लस. क्या कुछ कहना चाहेंगे करियर पॉइंट के बारे में? कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट रहा यहाँ का. फुल सपोर्ट रहा. और क्या यहाँ पे आप हॉस्टल में भी रहते हैं? यस सर. ओके, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट पेरेंट्स अनअवेयर है, नहीं जानते करियर पॉइंट में कैसा माहौल है, कैसे फैकल्टी मेंबर्स है, कितना सपोर्ट किया जाता है बच्चों को? सही बता दें कि यहाँ फैकल्टी और मैनेजमेंट जो है सब बहुत सपोर्टिंग करता है. और यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ फुल आपको मटेरियल मिलता है और टेस्ट का कमी नहीं है. ओके. इस बार लगभग 200 टेस्ट था. ओके. तो टेस्ट को वैसे मार्क्स में इंप्रूव आता है. तो ये प्रोवाइड करता है कोचिंग. ओके, थैंक यू. तो देखा आपने क्या कुछ कहना था. करियर पॉइंट के सारे स्टूडेंट थे हमारे साथ में नीट 2024 का. इन्होंने पेपर दिया था, क्या कुछ कहना था स्टूडेंट्स का करियर पॉइंट के बारे में और क्या कुछ कहना था इनको एग्जाम के बारे में. कैसा माहौल है, कैसे फैकल्टी है, कितना यहाँ से सपोर्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, आपने देखा. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आप करियर पॉइंट से स्टिल पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और भी स्टूडेंट को रीच हो और वो लोग भी जान पाए करियर पॉइंट में क्या कुछ खास माहौल है और कैसे फैकल्टी मेंबर्स से कितना गाइड किया जाता है, कितना मोटिवेट किया जाता है. आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा.